हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे आपके पास कोई भी ईयरफोन हो या टूटा फूटा हो या आपको नया ईयरफोन बनाना है खुद से तो कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बच्चों के जैसा सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सीख जाओगे। और ये सारा चीज़ जो है बिल्कुल खुला हुआ है, ये देखिए ईयरफोन का ही है बट ये खुला हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा और आपको उम्मीद है कि दोस्तों आप सीख जाओगे, मेरा ये गारंटी है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आएगा तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, डोंट वरी, बट मैं कोशिश करूँगा जो आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ईयरफोन में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, तो ये जो सारा सामान है ना सारा चीज़ का ज़रूरत होता है ना। ये स्विच का भी ज़रूरत है, अगर आपका फ़ोन आएगा तो जो स्विच दाबोगे तो ये फ़ोन रिसीव हो जाएगा और ये माइक से जो है बात होगा, है ना। और दो को लीड का भी ज़रूरत है क्योंकि कान में जो है इसी से आवाज़ आएगा। और ये जो है ये मोटा पिन का जैक जो है ये मोबाइल में लगेगा आपका, है ना। तो ऑलमोस्ट जो भी सामान है सारा चीज़ जो है उपयोग का ही है, सारा चीज़ रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि सारा चीज़ को चेक करना है कि सही है या नहीं है, है ना। तो देखिए मेरे पास ये लाइट टेस्टर है ना, इसको सटाते हैं तो ये जल जाएगा लाइट, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट स्पीकर चेक कर लेते हैं सही है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों जो है स्पीकर सही है, ठीक है। अब देखिए इसका माइक तो जो है अगर आवाज़ नहीं जाएगा तो ख़राब होगा, जाहिर सी बात है, और स्विच जो है इसका ख़राब होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मेन है दोस्तों ये लीड, ये जो तार है ना ये तार सही है क्या नहीं है इसको चेक करना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप ये कन्फर्म होना है कि इसका जो है कौन सा माइक का तार आता है और कौन सा ग्राउंड का तार आता है। इसमें बस दो तार को याद रखना है, कौन सा माइक का तार है और कौन सा ग्राउंड का है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है इसमें याद रखना एक बात, ठीक है, ये आप कॉपी में जो है नोट आउट कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है ना ये क्या है, ये माइक का है, सबसे लास्ट वाला क्या है ये माइक का है ना। और ये जो है ना ये वाला क्या है, तो ये है आपका ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड। और ये लेफ्ट राइट ये दोनों जो बचा हुआ है ये लेफ्ट राइट ऑडियो का रहता है, आई मीन स्पीकर का रहता है, मतलब आपको बाद में पता चल जाएगा, बट मेन जो है आपका ये दोनों याद रखना है कि कौन माइक का है। तो देखिए ये लास्ट वाला माइक का होता है, ये क्या है, ये लास्ट वाला माइक का होता है, और ये वाला जो होता है ये ग्राउंड होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखिए हम ये चेक करेंगे, देखिए ये लास्ट वाला क्या है, ये माइक का है ना, इसको इसमें रखते हैं तार और यहाँ सटाते हैं। देखिए ये लाल वाला जो है बता रहा है, ये लाल वाला क्या है बता रहा है, इसका मतलब ये जो तार है ये माइक का तार है ना, और किसी से नहीं बताएगा, ये देखिए है ना नहीं बता रहा है ना, बट ये लाल वाला से ओनली बता रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये माइक का तार है, याद रखना आप, लाल वाला क्या है माइक का तार है, ये जो रेड कलर का तार है ये क्या है माइक का तार है ना। और इसका सेकेंड वाला में हम चेक करते हैं ग्राउंड कौन सा है, तो ग्राउंड शायद ये कलर होगा, देखिए ये है ना, ये देखिए ये ग्राउंड का है, बस इतना याद रखना है, रेड वाला क्या है माइक का है, और ये जो गोल्डन है ना तार ये शायद आपको दिख रहा होगा है ना, ये गोल्डन कलर का तार है, तो ये हो गया ग्राउंड और रेड वाला हो गया ये माइक का है, ठीक है। बस ये दोनों तार कोई भी लगेगा तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों तार सही लगना चाहिए, है ना। तो बस आपको करना क्या है, तो रेड वाला है ना ये क्या है माइक का है, माइक का है ना। तो देखो इसका माइक, इसमें जो स्विच में माइक लगा हुआ है ना, तो माइक का लाल तार कौन सा है, ये तार है ना, इसको क्या कहते हैं प्लस कहते हैं, माइक का ये क्या है ये प्लस है, और इस साइड माइनस होता है, ये जो काला वाला तार लगा हुआ है ना ये माइनस बना दिया इसको, ठीक है, और ये जो लाल वाला तार लग गया ये प्लस बन गया। तो देखो ये जो लाल वाला है ना इस माइक का तार जो है यहाँ जुटेगा, ये देखिए दोस्तों इसका जो है प्लस में जो है सोल्डिंग मैंने कर दिया है ना, अब देखिए ये बचा माइनस, ठीक है। तो आपको देखो करना क्या है, देखिए ये जो दो स्पीकर का तार है ना, ठीक है, तो दो को जो स्पीकर है इसमें से दो तार को जो है कोई भी, इसका भी एक तार को और इसका भी एक तार को, दोनों को एक में जोड़ देना है, ठीक है, दोनों का एक एक तार जो है एक में हम जोड़ देते हैं। तो चलिए दोनों जो है गोल्डन है तो एक में हम जोड़ देते हैं, ठीक है, चाहे ये भी तार जो है दोनों को एक में जोड़ सकते थे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलिए हम एक तार ले लेते हैं, है ना। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, अब देखिए ये तो माइनस है ना, बोले थे ये गोल्डन क्या है माइनस है, तो ये दोनों को जोड़ के क्या बना दिए हम, माइनस बना दिए, ठीक है। तो चलिए हम ये इसमें जोड़ देते हैं, माइनस को माइनस में जोड़ देते हैं, है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, और यहाँ से जोड़ के अब देखिए ये जो स्विच है ना, स्विच का माइनस है ना, ये जो काला वाला तार है इसमें लगा हुआ इस साइड माइनस है, तो हम इस साइड जो है जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बता देते हैं, देखिए इसका जो है इसका तार में कंफर्म करना है कि कौन माइक का है कौन माइनस का है, ठीक है। तो देखिए प्लस वाला जो है माइक का तार था, आई मीन इसका ये वाला जो है माइक का है, ये वाला क्या होता है माइक का है, ये माइनस का है, ये वाला तार जो है लाल तार था, तो लाल तार जो है माइक का प्लस में जोड़ दिए डायरेक्ट, है ना। उसके बाद देखिए ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस जो है माइनस में यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो देखो स्पीकर का भी दो को तार जो है एक एक तार ले लिए और दोनों को माइनस बना के, और ये भी तार माइनस का था, ये तीनों डायरेक्ट माइनस में जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, ठीक है।
आप देखिए दोस्तों ये सब हो गया, आप देखिए बच्चा कौन कौन तार, ठीक है देखिए इस स्पीकर का दो तार बच्चा, एक तार इस एक स्पीकर का और एक तार दूसरा स्पीकर का, ठीक है, और ये दोनों तार बच्चा, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं, ये देखिए ये दोनों, तो ये माइक क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और ये दोनों जो स्पीकर का तार है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों स्पीकर का तार बच्चे बच गया है, एक स्पीकर तार इसमें जोड़ देना है और एक स्पीकर तार इसमें जोड़ देना है ना। तो चलिए हम कोई किसी में जोड़ देते हैं इसको लपेट के, और यहाँ जो आपको सोल्डिंग कर देना है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस तरह का तार जो आता है ना ईयरफोन में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कलर जो है परत तार में जो है कलर का पेंट किया हो जाता है, तो उसको क्या करना है कि पेंट को जो है आप जो है कोई माचिस से जो है आप जला देना, ठीक है, तो पेंट जल जाएगा, या नहीं तो सोल्डिंग आयरन जो है सटा के रखोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है उसका पेंट जल जाता है, नहीं तो सोल्डिंग होने में दिक्कत देगा, है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो है मैंने सोल्डिंग कर दिया है, ठीक है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप कमेंट करना, ठीक है, इसका डायग्राम सहित आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा,